फ्रेंड्स, पेट में गर्मी की शिकायत रहती है, पेट दुखता है, खाना अच्छे से नहीं पचता या पेट में गर्मी की वजह से बार बार दस्त की शिकायत रहती है, तो ये नुस्खा एक चम्मच खाकर देखें, आपकी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। इसके लिए आपको बाजार से लेकर आना है सब्जा बीज, ये किराने की दुकान में आसानी से मिल जाएगा। ये बारीक काले दाने होते हैं जो बहुत ही हेल्दी होते हैं, ये चिया सीड नहीं होते, सब्जा के बीज अलग होते हैं, ये तुलसी के बीज होते हैं और इनमें पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा होती है। इनमें कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स और पॉलीफिनोलिक फ्लेविनॉइड्स होते हैं, साथ में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बड़ा सा बाउल ले लें, इसमें डालें 2 चम्मच के बराबर सब्जा के बीज, ये 2 लोगों के लिए बन जाएगा। अगर आप एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं तो 1 चम्मच का ही इस्तेमाल करें। सब्जा बीजों को डालने के बाद इसमें आधा लीटर के बराबर पानी ऐड कर दें और इसे आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ दें। आधे घंटे में ये फूल जाएंगे। इन भीगे हुए तुलसी के बीजों का अपना कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए आप इसे पानी के साथ, दूध के साथ, जूस के साथ, स्मूदी के साथ या फिर दही के साथ, बटर मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। तो दूध के साथ कैसे लेना है जानते हैं। इसके लिए आपको 2 गिलास उबला हुआ ठंडा दूध लेना है। दूध में भीगे हुए बीजों को छान कर डाल दें। अगर आप पानी के साथ लेना चाहते हैं तो आप दूध की जगह जिस पानी में इनको भिगोया था उसी पानी के साथ उन बीजों को ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मिश्री ऐड कर दें और उसे पी लें। दूध में लेने के लिए छान कर बीजों को दूध में ऐड कर दें और मिठास के लिए मिश्री का इस्तेमाल करना है और ठंड के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मिश्री नहीं है तो आप थोड़ी मात्रा में चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिनके पेट में गर्मी बढ़ी हुई है, शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उन्हें मिश्री का ही इस्तेमाल करना है। इसमें करीब 2 चम्मच मिश्री ऐड कर दें, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आप बगैर मीठे के ही लें। आप इस शरबत का सेवन किसी भी समय में कर सकते हैं, जब आपका मन करे, शरीर में गर्मी महसूस हो रही हो, कब्ज की समस्या हो, तो आप इसे बनाकर पी सकते हैं। दिन में 1 से 2 गिलास बनाकर इसका पिया जा सकता है। सब्जा बीज के सेवन से पेट भरा भरा रहता है, भूख कम लगती है। इसमें फाइबर पाया जाता है जो फैट बर्न करने में बहुत मदद करता है। ऐसे लोग जो मोटापे से परेशान होते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो वो इसका सेवन कर सकते हैं। तब आप इसका प्रयोग पानी में करें और बिना मीठा डाले करें। सब्जा बीज में प्रोटीन्स, विटामिन्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन बीजों में अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि इन बीजों में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड की अधिक मात्रा होने के कारण मिलता है। ये पोषक तत्व तो शरीर में फैट को जलाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस तरह से वजन बहुत तेजी से कम होता है और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, तो आपका शरीर भी हेल्दी रहता है। सब्जा के बीज खाने से शरीर में पाए जाने वाले बहुत से हानिकारक विषैले तत्व यानी टॉक्सिंस बाहर निकल जाते हैं, जिससे शारीरिक क्षमता बढ़ जाती है और कई छोटी मोटी तकलीफें अपने आप दूर हो जाती हैं। हाथ पैर में जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, तो वे लोग भी सब्जा के बीज का शरबत बनाकर पी सकते हैं। पेशाब में जलन है, पेशाब रुक रुक कर आता है या फिर कम आता है, तो यह उसमें भी बहुत फायदा करता है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपके लिए जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।